मुंबई के सांता क्रूज इलाके से एक साल की बच्ची फातिमा चोरी हो गई, लेकिन पुलिस ने इस बच्ची को बरामद कर लिया है और बच्ची की मां मुस्कान शेख को मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने इस बच्ची को सौंप दिया है। दरअसल 30 अक्टूबर को मुंबई के सांता क्रूज इलाके से एक साल की बच्ची फातिमा चोरी हो जाती है, जिसके बाद बच्ची की मां मुस्कान शेख ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। गोपनीय जानकारी और सीसीटीवी के आधार पर बच्ची को चोरी करने वाली महिला की पहचान नेहरू नगर में रहने वाली एक महिला के तौर पर की गई और सोलापुर आरपीएफ की मदद भी इस मामले में ली गई। सोलापुर आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म पर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनके नाम शरीफा शेख और सुजाता पासवान हैं। दोनों बच्ची को तेलंगाना में बेचने के लिए ले जा रहे थे, मगर सोलापुर आरपीएफ ने इन दोनों को पकड़ लिया। बच्ची को मुंबई पुलिस ने उसकी मां को सौंप दिया है और आगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है कि क्या इनके गिरोह में और भी लोग शामिल है। इसकी तह तक मुंबई पुलिस जाने की फिराक में है। वही इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर ने क्या पूरी जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। दिनांक 30 अक्टूबर को रात को 8 बजे के करीब मुस्कान शेख करके एक महिला है जो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में एक फुटपाथ पे रहती है, काम करती है। उसकी बच्ची है करीब एक साल की, उसका नाम फातिमा है और उसको समझ में आया कि फातिमा गायब है। तो मुस्कान और उसकी सास और उसके जो भी परिचित है, उन्होंने उस बच्ची को आसपास इधर उधर ढूंढने की कोशिश की। बच्ची न मिलने के बाद दूसरे दिन शाम को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन आई और उसने ये कंप्लेंट दिया कि उसकी बच्ची गायब है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ने किडनैपिंग का केस तुरंत रजिस्टर किया। ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद उन्होंने एक टीम गठित की और वो इस बच्ची को ढूंढने में, एक्यूज को ढूंढने में जुट गए। इसी दरमियान क्राइम ब्रांच को भी सूचना प्राप्त होने पर डिटेक्शन वन के हमारे डीसीपी संग्राम निशानदार है, उन्होंने भी दो टीम्स गठित की कुछ सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने के लिए, कुछ मालूमात लेने के लिए। जब तफ्तीश जारी थी तब कुछ इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन के तहत हमारे टीम को पता चला कि नेहरू नगर की जो नेहरू नगर झोपड़पट्टी है, वहां पे किसी इन्फॉर्मेंट के थ्रू ये पता चला कि जो लेडी दिख रही है वो वहां पे रहती है, जिसने बच्चे को उठाया था। वहां पहुंचने पर हमारे लोगों को इत्मीनान हो गया कि वो वही औरत है। फिर उसके तलाश में क्राइम ब्रांच और बैंड्रा पुलिस स्टेशन दोनों की टीम्स जुड़ गई। उस दरमियान कुछ तेलंगाना की भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, कुछ सोलापुर की भी इंफॉर्मेशन थी। दोनों जगह हमारे लोगों ने फोकस किया और फिर सोलापुर में आरपीएफ की भी मदद हमें मिली। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हमें हमारे टीम के जो मेंबर्स हैं, संजय खताड़े, सिद्धाराम मेत्रे, स्नेहल पाटिल, शार्दुल बंसोड, साधना सावंत, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की और वो बच्ची जो है उसको बरामद किया। जो उठाई थी उस बच्ची को, उसको भी हिरासत में लिया। अभी दो अक्यूज्ड हैं, एक शरीफा शेख और एक सुजाता पासवान, उनको हमने निष्पन्न किया है। आगे की तफ्तीश जारी है।